नांदेड़ शहर के मोर चौक से पावड़ेवाड़ी की तरफ जाने वाली सड़क इन दिनों बहुत खस्ता हो चुकी है। मौसम में बरसात के शुरू होते ही यहाँ के हालात मजीद खराब हो चुके हैं। पिछले दो दिनों से जारी जोरदार बारिश की वजह से बारिश का पानी सड़क पर जमा हो रहा है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं। बारिश का पानी इन गढ़ों में जमा होने से यहाँ आने जाने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि बहुत से लोग इसकी वजह से हादसों का शिकार हो रहे हैं। जान हथेली पर लेकर लोगों को यहाँ से गुजरना पड़ रहा है। ये रास्ता इस इलाके के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। दिन भर कसीर तादाद में लोग यहाँ से गुजरते हैं। पिछले कई सालों से ये सड़क इसी तरह छोड़ दी गई है। बताया जा रहा है कि इस सड़क की तामीर के लिए हुकूमत की जानिब से लाखों रुपए की ग्रांट मंजूर हो चुकी है, लेकिन अमली तौर पर अब तक काम शुरू नहीं होने से यहाँ के हालात में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। फौरी तौर पर इस सड़क की तामीर का मुतालबा अब जोर पकड़ता जा रहा है। मकामी लोगों में इस मसले को लेकर शदीद गम गुस्सा देखने को मिल रहा है। जो ग्राम पंचायत का इलाका है मोर चौक से विशालनगर पाटी तक, ये रास्ता बिल्कुल बेहालत हो गई है। रास्ते की खड्डों से खड्डे हैं, खड्डों में पानी भरा हुआ है, और जब बारिश होती है तो खड्डे जब पानी से भरते हैं तो जो टू व्हीलर है ड्राइवर और या फोर व्हीलर के चालक हैं, इनको खड्डे दिखाई नहीं देते और बड़े एक्सीडेंट यहाँ पे हो रहे हैं। हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द ये खड्डे बुझाए जाएँ। और आमदार साहब को भी ये पता है कि यहाँ कुछ महीनों पहले इस रास्ते का उद्घाटन हुआ था, लेकिन रास्ता बना नहीं। हमारी दरख्वास्त है कि ये रास्ता जल्द से जल्द बने। यहाँ के लोग भी कुछ आंदोलन करने वाले हैं जी। ये रास्ता दुरुस्त होने के लिए कुछ दिन पहले जिलाधिकारी महोदय और BNC के ऑफिसरों को ये निवेदन दिया गया है कि ये जल्द रास्ता अगर जल्द से जल्द दुरुस्त नहीं हुआ तो सोमवार को हम आंदोलन करने वाले हैं। यहाँ पे रास्ता रोको होगा या जल पूजन होगा, कोई भी होगा, लेकिन इनकी जो हमारे डिमांड है इनके और उनका ध्यान जाए, इसलिए हम आंदोलन करने वाले हैं। या भागातच माझं दुकान आहे। तर मोर चौक ते वाडी हा रस्ता अतिशय खड्डेमय झालेला आहे। या भागामध्ये शाळा आहे आणि महत्त्वाच्या वस्त्या आहेत, अतिशय राजकीय मोठमोठे पुढारी आहेत, पण तरी आजपर्यंत अनेक नागरिकांनी सगळं सर्व दुकानदारांनी मागणी करूनही याचा कोणताही परिणाम या राज्यकर्त्यावर कोणावरही झालेला नाही। तरी आमची सर्वांची विनंती आहे की लवकरात लवकर हे किमान खड्डे तरी बुजवण्यात यावे। आणि आम्ही असं ऐकलं आहे की बराचसा मोठा निधी यासाठी मंजूर झाला आहे, परंतु तो मंजूर होणे अद्याप याचं कोणतंही काम झालेलं नाही। तर दररोज या भागातून जाणारे वाहन चालक आहे, अतिशय विद्यार्थी आहेत, महत्त्वाच्या शाळा आहेत, खूप मोठ्या लोकवस्तीचं या नगर आहे, परंतु इथं या भागामध्ये लोक अतिशय त्रस्त आहेत, याची संबंधित विभागाने दखल घ्यावी ही विनंती। संदर्भामध्ये सर्व मार्केटच्या व्यापारी लोकांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय यांना निवेदन देण्यात आलेले आहे आणि लवकरात लवकर दखल घ्यावी, अन्यथा येत्या सोमवारी आम्ही तीव्र आंदोलन करू, असं लेखी निवेदनाद्वारे केलेलं आहे।